मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, फील इट एज अ ब्लेसिंग कि अगर मैं आज के टाइम पे किसी को हंसा सकता हूँ, किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ, एंड थ्रू द बिगेस्ट ऑफ मीडियम दैट वी हैव इन द कंट्री, उसके जरिए अगर मैं वो चीज कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और ब्लेस्ड मानता हूँ। 90% फिल्म इंडस्ट्री रियल किस्से उठाती है लाइफ के, जो रिलेटेबल हो, अपनी अपने दोस्त की लाइफ का, या अपने मदर फादर की लाइफ का, या अपने प्यार अपने लवर की लाइफ का। बहुत ही मजेदार होने वाली है फुकरे 3, एंड आई थिंक जितना लोगों को मजा फर्स्ट और सेकंड में, आई थिंक वो एकदम एलिवेट होके थर्ड में उससे ज्यादा मजा आएगा। हाय, दिस इज वरुण शर्मा। हाय, दिस इज मंजोत सिंह, एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। डू सब्सक्राइब। तायर भाई, ये जो शो है हुत्सपा, इसका बेसिकली ये 5 अलग कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है, एंड सारी जो कहानियां हैं आधारित है जो डिजिटल वर्ल्ड आज की दुनिया में है, जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड आज की दुनिया में है, किस तरह से ये किरदार उस दुनिया का हिस्सा बनते हैं, हम हमारी रेगुलर लाइफ में जिस तरह का इंटरनेट का प्रभाव है, एंड किस तरह से हम प्रेरित होते हैं इंटरनेट पर, क्या क्या चीजें करते हैं, तो इसी के ऊपर ये 5 अलग अलग कहानियां, अलग अलग स्टोरीज, एंड किस इम्पैक्ट से वो डिजिटल वर्ल्ड में किस एक्सट्रीम तक जाते हैं, दैट इज द शो ऑल अबाउट। एंड मेरा जैसे, मंजोत अपना बता देगा, मैं अपना बताता हूँ, मेरा जैसे विकास और शिखा की कहानी है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है, कि अगर दो लोग या एक कपल जो फिजिकल प्रेजेंस उनकी आपस में नहीं है, एंड वो सिर्फ वर्चुअली ही एक दूसरे के लिए प्रेजेंट है, तो किस तरह से रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, छोटी से छोटी चीज अलग चीज से प्रसीव होती है, एंड किस तरह से वो पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है वो अलग माध्यम से चेंज हो जाता है। सो दैट इज वॉट विकास एंड शिखा स्टोरी इज, बट ऑन टॉप ऑफ इट, यू नो, द मैडनेस एंड द क्योर्स दैट हैपेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, विच हैज द गुड साइड ऑफ इट एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ बैड साइड ऑफ इट, तो वो दोनों शेड्स ऑफ लाइट इस शो के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो जैसे वरुण ने बताया कि ये शो है जो इंटरनेट के मीडियम से सब 5 स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, और इंटरनेट की वजह से और उसका क्या इम्पैक्ट है इंटरनेट का आज की दुनिया में, वो सब दिखाया गया। बहुत ही रिलेटेबल शो है, यूथ बिल्कुल कनेक्ट करेगा। वो जो घर में बैठ के आज सब कुछ कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर शो है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो ऋषि, ऋषि एक बड़ा ही प्यारा सा नाइव बंदा है, और बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है। और उसको लगता है कि यार अगर वो अच्छा है तो दुनिया में हर कोई अच्छा है। तो उस वो भ्रम में वो जी रहा है, पर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि यार नहीं, रियलिटी कुछ और है। लोग आपको मिस यूज करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तो ये चीजें वो सीखता है, और उसका एक गोल है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसको बोल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आप कह सकते हो वो हुचपा नहीं है उसमें। तो कैसे एक वो ऑनलाइन कोई और दूसरी लड़की से मिलता है जो कैन गर्ल है, ऑनलाइन उससे मिलता है, और वो उसकी लाइफ में क्या प्रभाव डालती है, क्या उसे सिखाती है, कैसे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आती है। तो और ऋषि उस वो सीख के कैसे अपना जो उसका वर्ल्ड है अराउंड, वो कैसे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, और कैसे वो बोल पाता है उस लड़की को जिससे वो प्यार करता है। तो इसी के ऊपर एक मेरा जो कैरेक्टर है, इसी के ऊपर ये अराउंड चल रहा है मेरा सारा स्टोरी। तो बाकी लोगों को कल पता चलेगा कि वो बोल पाता है नहीं बोल पाता, उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये कल देख के पता चलेगा जब शो आ जाएगा। अभी ने सर, आई थिंक ओवरऑल बड़े लोगों का मेरे को फोन आया, बड़े लोगों का उन्होंने मेरे को बोला कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत नया सा कुछ देखने को मिल रहा है, बिकॉज जिस तरह से मैंने बोला ताहिर भाई, बहुत ही
एक उस तरह की चीज है इंटरनेट, हम सब उस पे जी रहे हैं आजकल, हम उठ रहे हैं इंटरनेट के साथ हैं, हम सो रहे हैं इंटरनेट के साथ हैं, मतलब उठते साथ पहली चीज हम फोन देखते हैं, सोने से पहले आखिरी चीज हम फोन देखते हैं। एंड आई थिंक उसके आधार पे इस तरह का कोई शो जो एक हल्की सी झलक उसकी साइडों पे दिखा रहा है, तो वो हर एक इंसान को इंट्रीग कर रहा है। और रिलेटेबिलिटी मतलब वही है कि या तो आप खुद ये किरदार होंगे जो ये दिखा रहे हैं, या फिर 120% आपके आसपास के कुछ लोग हैं होंगे जिसमें से आपको लगेगा कि ये एक्स बंदा इस शो में इसका किरदार है। तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। एंड जहां तक बात रही, ट्रेलर रिसीव बहुत अच्छा हुआ है यार, बहुत अच्छा लगा लोगों को। एंड स्पेशली जो सबसे ज्यादा मेरे को जो बता रहे, क्योंकि ट्रेलर में एक झलक ही है हर एक कहानियों की, तो ज्यादा एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कि यू नो व्हाट इज एग्जैक्टली द शो अबाउट एंड व्हाट ऑल डिफरेंट स्टोरीज एंड द थिंग्स व्हिच आर देयर इन द शो व्हिच इज देयर। लेकिन ट्रीटमेंट और विजुअल्स की बहुत मुझे तारीफ सुनने को मिली है, करेक्ट हाउ द वे इट्स ट्रीटेड एंड हाउ द वे इट्स शॉट इज, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं स्कूल में था, मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, बहुत टाइम से, आई थिंक 1.5-2 साल से मुझे पसंद थी, पर मेरे अंदर वही कॉन्फिडेंस, आप कह सकते हो हुचपा कह सकते हो, बिल्कुल नहीं था। तो एक दिन मैंने बहुत सोचा यार मैं ना उसको आज बोल दूंगा दिल की बात। तो मैं अपने, एक दिन पहले मैंने फ्लावर खरीदा, उसको पानी में रखा कि मुरझाए ना, और सुबह स्कूल लेके गया कि मैं उसे दूंगा। और लंच ब्रेक हुआ, मैं कैंटीन की तरफ जा रहा था, पर मेरे साथ वही सेम चीज हुई कि जैसी मैंने उसे देखा ना, मतलब मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं उसे स्टार्ट भी कर पाऊँ, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाऊँ, यार ऐसा ऐसा है, मैं उसको देख के भाग गया वापस। तो मैं काफी चीजें रिलेट कर पाया कि नहीं यार, ये एक्चुअल में जो ऋषि ने किया है वो एक्चुअल में मेरे साथ हो चुका है लाइफ में। तो ऐसी चीजें, आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ये शो देख के बोलेंगे यार ये तो मैं हूँ, या ये मेरे साथ हुआ है, या यार ये तो मेरे भाई के साथ हुआ है। तो बहुत ही रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है शो के लिए, और आई होप सबको पसंद आए। आई थिंक इसमें जो पूरा जो एक कमराडरी है और जो इक्वेशन है वो शिखा के साथ है, तो इसमें भाई नहीं मिला, इसमें बेबी मिली, तो इसमें वो भाई से वो बेबी हो गया है वो पूरी की पूरी चीज। चलो प्रोग्रेस तो हो रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा आई थिंक ताहिर भाई सबसे यूनिक बात यही रहेगी कि एक सोसाइटी की जो रियलिटी है उसका एक आईना है उत्सपा, सोसाइटी की जो एक रियलिटी है उसका आईना है उत्सपा, इट्स लाइक अ मिरर टू द सोसाइटी व्हिच इज देयर। बिकॉज ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में हो रही है, हम खुद कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, और किस एक्सट्रीम्स तक हम जा रहे हैं वो भी हमें पता है। तो एक हल्की सी झलक जो कि चल रहा है उसकी एक झलक एक आईना इस शो के थ्रू देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही रियलिस्टिक चीजें हैं जो कि बहुत रिलेटेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को या अपने दोस्तों को इस शो में की झलक आपको देखने को मिलेगी, विच आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उस जर्नी के दौरान अगर आपका कुछ प्रस्पेक्टिव चेंज होता है या आपको कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तो आई मीन तो बहुत एक अलग नजरिया देखने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई प्रीची शो नहीं है, कुछ ऐसे टीचिंग नहीं है, कुछ सिखाता नहीं है, एक झलक डालने की कोशिश की है, एक अलग एंगल और प्रस्पेक्टिव दिखाने की कोशिश करी है। एंड आई मीन अगर उससे किसी की निजी जिंदगी पे प्रभावित होती है, आई थिंक देन एज ए टीम वी आर ऑल होम। जी मैं ये कहना चाहूंगा यार, जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, और आई थिंक ये इस टाइम के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक्टर्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। एक्टर्स अपना यू नो वर्सिटैलिटी शो कर सकते हैं, अगर उनको अगर फिल्म्स में अलग तरीके के रोल्स मिलते थे, यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना टैलेंट कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा रोल भी कर सकता हूँ। और इवन सिर्फ एक्टर्स के नहीं, डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अलग तरीके से अपना फुल क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं,
जितना, क्योंकि एक फिल्म में क्या होता है, एक आपके पास एक लिमिटेड पीरियड होता है, 2 घंटे हैं, उसी में आपको हर चीज दिखाना है, सबको एक्सप्लेन करना है। पर यहाँ पे क्या, आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, एक शो है जो कम से कम आप मान लो 6 घंटे का है, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ चीजें दिखा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और ऊपर से मैं भी कहूंगा कि व्यूअर्स के लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर इस पैंडेमिक टाइम में अगर OTT नहीं होता तो कैसे टाइम गुजरता लोगों का, कैसे वो क्या देखते हैं, क्योंकि सिनेमा घर सब बंद है अभी फिलहाल। और OTT पे इतना सारा कंटेंट है, और सब, मैं आई थिंक मेरी खुद की आदत है और बहुत लोगों की आदत है, कुछ ना कुछ रोज रात को देख के फिर ही नींद आती है, बिना बिना देखे कुछ मैं तो सो नहीं पाता। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज है ये, और बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। और आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत आगे ये वास्ट होने वाला है और सबको बहुत काम मिलने वाला है इस वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ टायर पे मेरा सबसे ज्यादा वही चीज होती है, अतरंगी होना चाहिए, अलग सा कुछ होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आई फील इट एज अ ब्लेसिंग कि अगर मैं आज के टाइम पे किसी को हंसा सकता हूँ, किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ, एंड थ्रू द बिगेस्ट ऑफ मीडियम दैट वी हैव इन द कंट्री, उसके जरिए अगर मैं वो चीज कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और ब्लेस्ड मानता हूँ। तो बट उसी में भी एक अलग अलग शेड्स होने जरूरी हैं, क्योंकि रेपिटेशंस नहीं हो सकती उस चीज के, इसलिए अलग कंटेंट एंड कुछ कुछ क्रेजी, कुछ फन, कुछ वैक्ड आउट सा कैरेक्टर्स को मैं ढूंढता हूँ जिसमें बहुत रिलेटेबिलिटी हो, जिसमें जो आपको देख के लगे कि यार ये तो मेरी जिंदगी दिखा रहे हैं, या फिर ये तो मेरे दोस्त की जिंदगी दिखा रहे हैं, और वो हर एक कोशिश है, हर झलक है, हर हर फिल्म में उस चीज की। आप फुकरे की बात ले ले तो लोगों की जिंदगी में उनके ग्रुप में एक चूचा है, उनके ग्रुप में एक लाली है, एक भोली पंजाबन भी किसी की जिंदगी में होगी, या हाँ पंडित बिल्कुल, जी होंगे, एंड छिछोरे भी अगर बात करें तो सेक्सा हमारे आपस के कॉलेज के ग्रुपों में सेक्सा है, एसिड है, तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स। सिद्धू हो गया आपका, आपका कटन्नी हो गया रूही में, तो आपके इस तरह का आपका एक दोस्त होता है जो हमेशा ही गलत लड़के के पीछे जाता है, या फिर वो एक हमेशा ही एक जो उसको रोकते रहते हैं कि इससे प्यार मत कर, उसको उससे ही प्यार होता है। तो आई मीन जस्ट द मोस्ट रिलेटेबिलिटी फैक्टर एंड दैट रियलिज्म व्हिच इज काइंड ऑफ देयर इन फिल्म, एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग एंड फन एंड क्रेजी एज मच एज इट कैन गेट देयर। मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, 90% मुझे लगता है कि वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, उसी से ही फिल्म्स बनती हैं। किसी का कोई दोस्त ने उसकी कोई स्टोरी बता दी, वो मिक्स मैच करके। तो आई थिंक ये 90% फिल्म इंडस्ट्री रियल किस्से उठाती है लाइफ के, जो रिलेटेबल हो, अपनी अपने दोस्त की लाइफ का, या अपने मदर फादर की लाइफ का, या अपने प्यार, अपने लवर की लाइफ का। तो ये चीजें बहुत ही रिलेटेबल होती है। सर उसके बारे में बहुत ही मजेदार होने वाली है फुकरे 3, एंड आई थिंक जितना लोगों को मजा फर्स्ट और सेकंड में, आई थिंक वो एकदम एलिवेट होके थर्ड में उससे ज्यादा मजा आएगा, एंड बहुत ही फन होने वाला है। एंड उसका जो प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी हम उसको शूट उसका स्टार्ट करने वाले हैं, हमने अभी करना था, लेकिन जिस तरह से सेकंड वेव आई एंड द सिचुएशन दैट एवरीवन वाज इन एंड द एंटायर कंट्री वाज इन, सो वो अभी थोड़ा सा पॉज पे हुआ हुआ है, एंड एक बार जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है, लाइफ कम काइंड ऑफ कम्स बैक टू नॉर्मल, और आउटडोर में जब आपको परमिशंस और पूरी प्रोटोकॉल मिल जाएंगी शूट करने की, इमीडिएटली आई थिंक वंस थिंग्स कैन ऑफ गेट फाइन, वील काइंड ऑफ रोल विद फुकरे 3, एंड वो एक फिल्म हम सबके बहुत करीब है, मेरे तो दिल के बहुत करीब है। वो डेब्यू किया था उस फिल्म के साथ, एंड वो जो किरदार के साथ डेब्यू किया था, एंड देन कमिंग बैक विद द गैंग टुगेदर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट, एंड बहुत मजा आएगा यार। आई थिंक एकदम ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएंगे वो, जैसे वो कहता है ना इंस्पेक्शन, ऐसे सुइयां घुसा घुसा के दिमाग में घुस जाते हैं, पहली फिल्म में डायलॉग था, आई थिंक इसमें भी अभी वैसे वाला ही होगा कि वो जो
पूरा टाइम है वो वहां पे चले जाएगा, ऐसे लगेगा 10 साल पहले वाले जो फुकरे हैं वो इकट्ठे हो गए और मिले हैं, एंड वो मैडनेस और मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश रहेगी। नहीं इसमें मैं विलेन बनाऊं जी बिल्कुल बिल्कुल कैरेक्टर, जस्ट किडिंग, बिल्कुल कैरेक्टर सेम है। जो लाली की जर्नी है तो बिल्कुल सेम है, बस स्टोरी अलग है इस बार। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग लेवल को देखने को मिलेगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से स्टार्ट हो फिल्म, हम जल्दी पर्दे पे उसे लेकर आए और ऑडियंस को दिखाएं और ऑडियंस से प्यार बटोरे बहुत सारा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस बार।